Hey so guys, welcome back to the new video. आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सोलार एनर्जी पेनी स्टॉक्स। तो सोलार एनर्जी पेनी स्टॉक्स ये स्पेशली मैंने क्यों चूज़ किया, लोग यहाँ पर पेनी स्टॉक्स मांग रहे हैं, तो ऐसे पेनी स्टॉक्स देखते हैं जो फ्यूचर में जाके एटलीस्ट उनका बिजनेस का कुछ फ्यूचर बने, क्योंकि सोलार एनर्जी के ऐसे रेयरली एक दो स्टॉक्स ही है जो यहाँ पर अच्छे खासे वेल डेवलप्ड है, बाकी के यहाँ पर पेनीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है अभी तक ग्रो नहीं हुई है और इसका फुल फ्लेज यहाँ पर ग्रोइंग चांस है, क्योंकि फ्यूचर इज सोलार एनर्जी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज सोलार एनर्जी। आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर ये जो कोल एनर्जी है, पेट्रोलियम है, ये सब रिप्लेस होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलार एनर्जी से। एंड क्या पता अगले 5 साल में आपके घर में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी भी सोलार पे चल रही हो, शायद ये वीडियोज़ या पीसी भी मेरा सोलार एनर्जी पे चल रहा हो अगले 4-5 सालों में। हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा, गवर्नमेंट भी मैंडेटरी कर देगी। ओके, तो ऐसे 5 स्टॉक्स यहाँ पर ढूंढे हैं स्पेशली पेनी में। एक बड़ा भी स्टॉक एक बताऊंगा आपको, वो हमारा अदानी ग्रीन तो है, बट यहाँ पर अदानी ग्रीन यहाँ पर एनर्जी बेचता है, इसमें एक ऐसा स्टॉक भी है जो बेचता है, बट बाकी के मोस्टली स्टॉक्स है जो यहाँ पर आप यहाँ पर इनके सोलार्स यहाँ पर डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हो। पहला स्टॉक है सुराना सोलार, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक वीक में 56.42% रिटर्न दिया है, तो ये कंटिन्यूस यहाँ पर अपर सर्किट में भी चल रहा है, बीच बीच में नीचे आ जाता है, आपको यहाँ पर बाइंग का मौका मिल जाता है। आप देख सकते हैं अभी ये आज यानी कल के दिन इसने वापस एक लो सर्किट दिखाया था, यहाँ पर ऊपर ऊपर ट्रेड किया था, नीचे लगाया था, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है जैसे यूजुअली बाकी के स्टॉक्स रहते हैं। तो वेल यहाँ पर ये एक स्टॉक है, एक मंथ में इसने 68.67% रिटर्न दिया है, एक साल में इसका रिटर्न 118% इसका 100 एक साल में 100% रिटर्न है, बट 5 साल में ये डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सोलार एनर्जी में पहले 5 सालों में, पिछले 4-5 सालों में यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस नहीं था, बट एक साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस हो रहा है और आगे चल के और इनका बिजनेस होगा। दूसरा स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल, पेनी स्टॉक में बहुत लोगों का फेवरेट है, पता नहीं क्यों फेवरेट है, और हम देख सकते हैं इसने एक वीक में 20% रिटर्न दिया है, एक महीने में 68.60% रिटर्न दिया है, एक साल में 310% रिटर्न दिया है, और 5 साल में 508% इसने रिटर्न दिया है, और बीच में एक बहुत बड़ा हाइक भी दिखाया था यहाँ पर जिसमें और भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न था, ऑलमोस्ट 637% रिटर्न यहाँ पर इसने दिया था जो पिछला हाइक इसने मारा था। ओके, तो वेल हम अभी देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल वापस डेवलप हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं, अब अगर मैंने इसे बैलेंस शीट पे देखा तो बैलेंस शीट पे ये निल है, यानी बैलेंस शीट में इसका कोई भी बिजनेस ठीक से दिखाई नहीं देता, बट यूजुअली वी नो हाइप चलती है तो हाइप में स्टॉक्स भी ग्रो होते हैं, क्या पता आगे चल के ऊर्जा ग्रो ग्लोबल अच्छी कंपनी बने, अच्छा बिजनेस करे, वी नेवर नो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स एक तो बहुत ही आसमान छू जाते हैं या तो ख़त्म ही हो जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं कभी रेकमेंड भी नहीं करता था पेनी स्टॉक्स। अगला स्टॉक है अदानी पावर, आप सभी को पता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, इसमें ये आगे चल के अदानी ग्रीन के साथ मर्जर भी हो सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने अराउंड एक महीने में ये डाउन है, एक साल का देखते हैं, एक साल में भी ये डाउन है, 5 साल में देखते हैं, 5 साल में ही यहाँ पर वेल, बट अदानी पावर जो है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसने एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा हाइक सा दिखाया था, यहाँ पर अगर कुछ टाइम पीरियड पहले देखे इसने अचानक से एक ऐसा हाइक सा दिखाया था, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ अदानी ग्रीन के साथ, अदानी पावर भी यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलरली काम करता है, आगे चल के ये मर्जर भी हो सकता है, तो ऐसी न्यूज़ तो है फिलहाल, बट पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो इसके तो चांदी हो जाएंगी। ओके, तो अगर होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी, बट स्टिल इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। ओके, आगे चलते हैं, अगला स्टॉक है उजास एनर्जी, इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको उजास एनर्जी के बारे में जानना है। तो यहाँ पर उजास एनर्जी में हम देख सकते हैं एक वीक में इसने 10.71% रिटर्न दिया है,
एक महीने में ये डाउन चल रहा है, एक साल में ऑब्वियसली ये डाउन ही होगा, ऑब्वियसली डाउन है, पाँच साल में हम देख सकते हैं ये और डाउन है। बिज़नेस इसका काफ़ी अच्छा चला नहीं था, बट अभी यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक भी अचानक से ऊपर जा रहा है, पता नहीं जब तक अपर सर्किट लग रहा है तब तक लग रहा है, जब डाउन लोअर सर्किट लगेगा तब लोअर सर्किट लगेगा, पर इन स्टॉक्स का ऐसा ही चलता रहता है। ओके, अगला स्टॉक है इंडो सोलार। इंडो सोलार यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने अराउंड एक वीक में 15.15% रिटर्न दिया है, एक महीने में 46.15% रिटर्न दिया है, एक साल में 153.33% रिटर्न दिया है, एंड पाँच साल में ये डाउन है, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में इसका अच्छा बिजनेस चल नहीं रहा था। तो ये एक स्टॉक है यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ टाइम पीरियड से, एंड मे बी इट कुड परफॉर्म वेल इन फ्यूचर टू। वेल, तो हम देख सकते हैं इसने रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली बात है ये सारा पूरा सेक्टर मैंने वही चूज़ किया है, एक जनरेशन है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है। तो फ्यूचर में ये जो स्टॉक्स है, अगर यहाँ पर ऑब्वियसली बात है अगर इन्होंने अच्छा खासा काम किया तो इनमें काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, कोई ना कोई इसमें से एक कंपनी फ्यूचर में ज़रूर अच्छी करेगी, या तो सारी करेंगी या तो कोई ना कोई तो करेंगी, बट श्योरली ज़रूर करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्राइट है, एंड दे हैव ऑलरेडी द R&D और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे चल के कोई सोलार एनर्जी का IPO भी आ सकता है, वी नेवर नो, तो उसके लिए भी वेट कर सकते हैं हम। ओके, आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आ चुकी है। कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता यहाँ पर मैनी स्टॉक्स को बाय करना, बट समझदार को इशारा काफ़ी है। ओके, आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट जैसे कॉल सेम है।